एक फटेहाल व्यक्ति महात्मा के सामने आ गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे परमात्मा, मेरी मदद करो। मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आप कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दें। महात्मा ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दिया था। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को निकाल कर खाने लगा और खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि इस रोटी के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। खाने के बाद उसने महात्मा को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था, तो उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। और इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वो मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं, मैं अपने मन को एकांत करना चाहता हूं, मैं मन को साधना चाहता हूं, हर तरह के फालतू के विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है, वो हमेशा कहीं ना कहीं भटकता रहता है। तो दोस्तों, चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे और तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? महात्मा ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा कि मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। महात्मा ने कहा कि कल किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है और कल तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब वहीं दे दूंगा। अगले दिन महात्मा और शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया था। महात्मा और शिष्य दोनों भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और धनी व्यक्ति भी उनके साथ भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि ये कैसा बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली को फेंक देता है और नौकरों से कहता है, जाओ दोबारा बढ़िया सा भोजन बना कर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी और दोनों ने भोजन किया। महात्मा ने अपने थाली में 2 रोटी छोड़ दी। उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये रोटियां बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन रोटियों को बांध कर दिया और उसके बाद दोनों वहां से चले गए। रास्ते में महात्मा ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था और मुझे पसंद भी आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। फिर महात्मा ने कहा कि तुम्हें इससे अधिक और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या होगा गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। महात्मा ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन क्यों नहीं पसंद आया? भोजन तो अच्छा बना था ना, भोजन एक ही था, तब उसे क्यों नहीं पसंद आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही मुझे बताएं। महात्मा ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। महात्मा और शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल गए। तब शिष्य ने महात्मा से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के रास्ते पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, बस चलते रहो। और चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति महात्मा के सामने आ गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे परमात्मा, मेरी मदद करो,
मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ, आप कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दें। महात्मा ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दिया था। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खाने लगा और खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद इन रोटियों के लिए। खाने के बाद उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था, तो उसने कहा स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। और इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। तब महात्मा ने शिष्य से कहा, देखो भोजन वही था लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आया और तुम्हें उसमें स्वाद आया। तुम्हें भोजन पसंद आया लेकिन वहीं उस व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आया, बल्कि वो इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देखा। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती और इस व्यक्ति को इसमें अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमें नहीं मिला। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता? दोस्तों, जो लग जाए वो मन नहीं है। मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जो उस भोजन से भाग रहा था जो उसके लिए आम बात थी, लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था तो उसने उस भोजन में स्वाद को भी जाना, लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती है तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत लालायित रहता है और हर हाल में वह उसे पाना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वो 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप भोजन के लिए एकाग्र हो जाते हैं जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज़ में लगना ही नहीं है, बल्कि इसका काम है आपको इधर उधर भगाना। एक चीज आपको मिली तो दूसरे चीज पर ले जाना, दूसरी चीज मिली तो तीसरे चीज पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, यह केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल जाता है उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया उसे पा लेने की आदत होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्सों को देखो और जानो कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या वो केवल आपको अभी तक भगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या फिर भगाना ही है तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं, तब चीजें उनके पीछे भागती है, वह किसी चीज के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं महात्मा बुद्ध हैं। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं,
कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को, अपने आप को नियंत्रित करने से रोक सकते हैं, और इसका एक ही रास्ता है, वह है ध्यान। ध्यान व्यवस्था लाता है, ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ लो, ध्यान कहता है जो मिला है उसे जान लो। लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है, और जब वो बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है, उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाता है, और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है, वह वही कर रही है जो वो हो सकती है। एक अध्यापक है, जब वो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है, वह अपने प्राणों से उस पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें उसकी रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वह पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती, तब वह न भूतकाल की बात सोचता है न भविष्यकाल की बात सोचता है, वह केवल वर्तमान के क्षण में रहता है, और यही उसका ध्यान है। जो व्यक्ति जो है वो वही होने लगे तो उसमें स्वतः से ही ध्यान घटित होने लगता है, वो एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है, और तब हम भागते रहते हैं। सब कुछ पा लेते हैं तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है, और यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वह आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति ही लगने की नहीं होती है, जो लगता है वह एकाग्रता है, वह ध्यान है, और जहां आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।